अच्छे से 1044 भाई। फाइनली आज वो दिन आ गया है, आज है मेरा कंपटीशन। और पहले दो कंपटीशन हो रखे हैं, बट भाई ये सबसे बड़ा कंपटीशन है। इसी के लिए मैं 5 महीने से मैं डाइट स्टिक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा था। 5 महीने जितने फंक्शंस पार्टीज सब इग्नोर किया, मेरे को पता है भाई मैंने काफ़ी सैक्रीफाइस किया इसके लिए। और आज भाई सही में मतलब फेस टू फेस मैं बोल रहा हूँ, आज चाहे जो भी हो मैं क्वालिफाई करूँ ना करूँ, आज करना पड़ेगा तभी कल फाइनल में जाऊँगा। करूँ या ना करूँ कुछ भी हो भाई, मेरे को 1% भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मजाक से हटके मेरे को पता है मैंने 100% दिया है। और तुम 100% से ज़्यादा क्या ही दे सकते हो यार, मतलब क्या ही दोगे। 100% दे रहा हूँ, मेरे को पता है मैंने भाई जो किया है, तारीफ नहीं कर रहा, बट भाई मजाक से हटके जितना मैं कर सकता था मैंने करा है। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत है, ये एक वर्ड होता है ना एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत गलत वर्ड है फ्रेंड्स की, फैमिली की, सर की और खुद की। भाई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ना सबकी कि यार क्वालिफाई तो कर ही जाएगा। और एक दो फ्रेंड्स का तो मैसेज भी आया कि अगर भाई तू क्वालिफाई नहीं भी करा बट तू हमारी नज़र में विनर ही रहेगा। बट यार ऑब्वियसली विनर तो चलो मैं रहूँगा ही, बट यार मेरे को करना है यार क्वालिफाई, यार बहुत मेहनत करी है। अभी अब मेरी शक्ल देख लो, मैं भाई बिल्कुल फ्लैट हूँ, इतने काब्स लोड करे हैं कल, पूरे दिन मैंने काब्स ही खाए हैं और आज भी सुबह 2 मील ले चुका हूँ। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार, जा रहे हैं बस, कहीं लग नहीं रहा बॉडी को, फुलर नहीं दिख रही, बट फुलर दिखेगी स्टेज पे मेरी गारंटी है। और बस यार देखते हैं अब, जो भी हो जैसा भी हो नो रिग्रेट्स। और कल भाई मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में फाइनल्स के, क्योंकि मैं क्वालिफाई आज करने वाला हूँ। और अभी सर से मिलने जा रहा हूँ एक लास्ट मील लेके, देखते हैं कैसा भी होगा, बट खुश हूँ यार मैं। और फटी भी हुई है मेरी, लग रहा है भाई डर, ऑब्वियसली यार बहुत बड़ा स्टेज है, देखा जाएगा जो भी होगा। भाई इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस है, पता नहीं यार इनकी क्या मजबूरी रही होगी, आप चेक करो। पोज मार दो, हर हर महादेव, पोज पोज। बैक 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 क्या बात है भाई, वो ही उठ गए जज ही उठ गए, तुम स्टेज पे चढ़ गए।
सब फाइनल में कल आना, सब फाइनल में भाई। गुनाल भाई आप सैटिस्फाइड हो आप भाई? अब क्या खेलूं मैं बताओ, रिजल्ट हुआ आपका, रिजल्ट सैटिस्फाइड हुआ भाई, कुछ हो गया नहीं। बढ़िया लग रही है आपको मेरी, मेरे को भी आपकी बढ़िया लग रही है, सैटिस्फाइड हो ना रिजल्ट से? बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट आया? रिजल्ट मैं विनर हूँ और ये भैया भी विनर है, हम दोनों एक ही कैटेगरी में, दोनों विनर है हम। हाँ, क्योंकि जजेस भाग गए। ठीक है भाई यार, भाई थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया, बट कोई नहीं। तो यार मेरे साथ ये भैया हैं, आपका नाम? फरहान। बता दो यार कैसा एक्सपीरियंस था? पहली चीज ये बोलूंगा, जैसे जब शो अभी एंड में आते आते प्रॉपर्ली इस हिसाब से प्रमोट किया जा रहा था एनहांस कम्युनिटी को, या जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं उनको टारगेट करके, कि जहाँ पे आपको ये मेंशन करना चाहिए था कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्यों अच्छी है, वहाँ पे आप ये टारगेट कर रहे हो कि कैसे आपकी, आपको लोग स्टेरॉइड लेके बॉडी बना लेते हैं, कुछ नहीं है, हमें तो अपने ऊपर घमंड है। अच्छी बात, चलो बहुत बढ़िया है, आपने ऐसी ऐसी बातें कर ली। अब आज शो है, अगर देख रहे होगे और देख भी लिया होगा, शो कैंसिल हो चुके हैं, जीत लाल जी अपनी गांड उठा के भाग चुके हैं, ठीक है। जजेस भी भाग चुके हैं, जजेस की कोई बात नहीं, जजेस की कोई नहीं है, वो क्यों पिटना चाहेंगे, बस जिस बंदे को हक से कि अपना एक दिखाना चाहिए था फेस कि हाँ भाई मैंने शो कराया है, मैं हूँ, मेरा प्रेजेंस है वहाँ पे, वो भी भाग गया, ठीक है। देख रहा हूँ मैं खुद कम्पीट करता हूँ, मैं एनहांस हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, लेकिन मैं फालतू के ड्रामे नहीं करता, ठीक है। अब पहला शो देख रहा हूँ, हम शेरू वगैरह में कम्पीट करते हैं, अगर हमारे पास एक, हम एथलीट के साथ जा रहे हैं, एक बैंड मिलता है और उस बैंड में एटलीस्ट ये होता है कि एक बंदे का फ्री है यहाँ पे, उसके भी पैसे लिए 20-22 हज़ार रुपये लिए एक एथलीट से, ठीक है, 22 हज़ार इन टोटल टैनिंग वैनिंग ले मिलाकर। उसके बाद अब पैसे वैसे का क्या सीन होगा क्या नहीं वो भी नहीं पता, नाम के सिर्फ नाम बोल दिया प्रगति मैदान, ये शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बैठने की जगह नहीं है, एथलीट से पानी तक नहीं पूछा गया, पार्किंग भी नहीं है, एथलीट्स को कितना चल के आना पड़ रहा है, 6 बजे का इनका टाइम था कि 6 बजे तक सब कुछ हो जाएगा, निपट जाएगा, क्लोज हो जाएगा, 6 बजे एसी बंद, अंदर है एसी तो होगा ही कम से कम, एसी था प्रगति मैदान पर, एसी था, एसी था, लेकिन वो 6 बजे का क्योंकि टाइम दे रखा था, जितने उन्हें पैसे भरे थे एथलीट से चुरा चुरा के, अब वो खत्म हो गया क्योंकि 6 बजे उनका टाइम ऑफ हो गया था। अब जीत लाल भैया के जेब से पैसे तो निकलेंगे नहीं, तो वो भी बंद हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चूतिया शो में आके, नाम का नेचुरल, आईसीएन इससे बहुत बेटर होता है, और घंटा मैं खुद जानता हूँ कितने एथलीट्स को जो नेचुरल नहीं है यहाँ पे, फालतू का कल आपने टेस्ट करा लिया, किसी को मुतवा लिया और आप कह रहे हो आपने टेस्ट कर लिया, आप डोपिंग के टेस्ट जो होते हैं ना वो बता दो भाई। अब पुलिस स्टेज खाली करा रही है, बस भाई कुछ नहीं बच गया भाई शो में, शो बंद, पुलिस आ गई, उसको चेक करो। These are our top 10 athletes. Woo!
come on, Nafe! Come on, 290! So remaining athletes can go backstage. Alright, so जो remaining athletes हैं on the right, please आप सभी backstage जा सकते हैं. Thank you so much. And congratulations, एक बार जोरदार गाने होनी चाहिए. आप देखिए. तो यार finally एक तो गला खराब हो गया. Finally भाई the end आ गया competition का. खराब experience नहीं बोलूँगा. Experience अच्छा था overall, but खराब चीज़ें हुई overall सबके साथ और मेरे साथ भी हुई, सबके साथ हुई. क्योंकि पहली बात भाई मेरी क्लास चेंज उनने कर दी थी. मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर्स और मेरे को मेरा स्लॉट था 170 टू 165 के बीच वाला, बट उन्होंने क्लास ए में डाल दी और मेरी क्लास बी थी, तो वो गलत हुआ. तो मैं मसल मास में लैक कर रहा था क्योंकि छोटी हाइट वालों के पास ज़्यादा मसल मास था ऑब्वियसली. तो ये एक गलत था, मतलब बहुतों के साथ ये हुआ. क्योंकि मैं आप देखोगे अभी मैं आपको वीडियोस आपने देखी होंगी, उन सब में से मैं सबसे लंबा था और मतलब काफ़ी मेरे जितने भी थे क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ. तो ये काफ़ी मिसमैनेजमेंट था. और दूसरी बात भाई उन्होंने जो टेस्टिंग ली थी उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई और बिना रिपोर्ट्स के जजिंग होगी सब हो गया, तो उस टेस्टिंग का कोई पॉइंट नहीं था. HSF वाले बहुत गलत कर रहे हैं भाई. टेस्टिंग उन्होंने ले ली और हमें क्या पता भाई कौन एनहांस्ड है कौन नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के बेसिस में ही जज करना था और वो आई नहीं रिपोर्ट. तो ये भाई दो बातें हो गई. और बट मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत फेयर जजिंग की. मतलब मैं टॉप 10 में था, बाकी के जितने भी लोग थे टोटल अराउंड 40 के अराउंड थे, उनमें से मैं टॉप 10 आया. काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि सारे ही अच्छे लग रहे थे. बट भाई वो जो टॉप 5 थे वो भाई अनरियल थे, काफ़ी अच्छे थे और मैं डिजर्विंग नहीं था टॉप 5 में. और मेरे को जजिंग काफ़ी अच्छी लगी उनकी. मेरे साइड में आप देखोगे थोड़ा वीटेश कलर में एक शुभम शेवले करके है, वो भाई ICN डबल प्रो है, वो भी खड़ा था. उसके साथ मेरे को पोजिंग करने का मौका मिला, वही मिलने बहुत बड़ी बात है. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था. अभी भाई अब बस नोट्स खोलूँगा मैं फ़ोन के, उसमें सबसे ऊपर आलू गोभी की सब्जी और रोटी थी, उसके बाद छाछ तो मम्मा वो बना रही है. और तब तक भाई यही चल रहे हैं जो कार्ब्स लोड में, राइस केक और इसके अंदर चॉकलेट पीनट बटर है. तो ये तब तक खा रहा था, भूख लग रही थी. और चलो भाई बने रहो यार, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था. अब एक अच्छा गेन करूँगा मैं. कंपटीशन तो भाई जब तक खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाता मैं, तब तक और कोई कंपटीशन नहीं खेलूँगा इसके बाद. जब तक मतलब मैं खुद से अर्न नहीं कर पाता, क्योंकि यार बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है इन चीज़ों में. और भाई मैं घर वालों को बार बार नहीं बोल सकता इस चीज़ के लिए. और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, वंदे मातरम, HSF. ओके ओके. मुझे खड़े थे साथ कौन, ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त, उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो, आज मुझे जानते हैं 1,00,000 लोग.